सभी छात्रों में हमेशा बोर्ड के एग्जाम को लेकर चिंता बनी रहती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं होती है कि आप इसमें अच्छा स्कोर न कर पाए। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने या टॉप करने के तरीके के बारे में जानेंगे। उन सारे छात्रों के लिए बोर्ड की परीक्षा पहला अनुभव है जो क्लास 10 में होते हैं, तो जाहिर है कि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता होगा और जिसके कारण वो परीक्षा में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे जितना वो कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में उन तमाम बातों पर चर्चा करें जिसको फॉलो करके आप अपनी 2020 में होने वाली CBSE तथा किसी भी अन्य बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 90% या उससे अधिक नंबर ला सकते हैं। नंबर 1, तैयारी पर ध्यान दें। अच्छी तरह सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्जाम स्ट्रेस को कम करता है, इसलिए यदि आपको तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो रही है तो फिर से रूटीन बनाएं ताकि सभी विषयों को ठीक से कवर कर सके। ध्यान रखें कि आपको 24 घंटे में से 18 या 20 घंटे नहीं पढ़ने हैं, आपको हद से हद 12 घंटे रोज पढ़ना है। नंबर 2, सकारात्मक सोच रखें। किसी भी डर को सकारात्मक सोच से दूर किया जा सकता है। सकारात्मक सोच आपको रिलैक्स रखता है और आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोच रखना आपको बहुत जरूरी है। छात्र जितना टेंशन लेते हैं अगर वो उसका 50% भी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे तो काफ़ी बेहतर अंक ला सकते हैं। नंबर 3, टाइम लिमिट के साथ करें पुराने प्रश्न का पत्र हल। एग्जाम की सबसे अच्छी तैयारी करने का तरीका यह है कि छात्र अपने पुराने प्रश्न जो कि पिछले साल आया हुआ है उस प्रश्न की प्रैक्टिस करे, लेकिन प्रैक्टिस करते समय यह ध्यान रखे कि एक निर्धारित समय में ही पूरे होने चाहिए। नंबर 4, सब्जेक्ट को समझे न कि रट्टा मारे। अगर आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। कई बार होता यह है कि सिर्फ किताबों और गाइडों को तोते की तरह रटने से पेपर के दौरान कई सवाल ऐसे बदल कर आ जाते हैं जिनके बारे में छात्रों को समझ ही नहीं आती, जिससे स्टूडेंट में इन प्रश्नों को देखकर घबराहट होने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि आप विषय को रटने की बजाय अच्छी तरह से समझें। नंबर 5, टाइम टेबल बनाएं। यह देखा गया है कि टॉप पर आने वाले स्टूडेंट्स अपना एक टाइम टेबल जरूर बनाते हैं। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल निर्धारित करें। हर सब्जेक्ट को टाइम के अनुसार डिवाइड करके उसकी पढ़ाई करें। जिस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा कमज़ोर हैं उस सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा टाइम दें, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस विषय को आप अच्छी तरह जानते हैं उसे रिवीजन करने के लिए भी समय जरूर दें। नंबर 6, नोट्स बनाएं। नोट्स हमेशा आपकी मदद करेंगे। जब भी आप पढ़े या रिवीजन करें तो ध्यान से उसके नोट्स बनाते चले। अक्सर बच्चे पढ़ाई टालते हैं और बाद में पूरा सिलेबस देखकर दबाव में आ जाते हैं। उस समय आपके बनाए नोट्स बहुत सहायक रहते हैं, इसलिए आपने जो भी पढ़ा उसका नोट्स आप बनाते चलें। नंबर 7, लिखने का प्रैक्टिस करें। बहुत से छात्रों की आदत होती है कि वे बोलकर या मन में याद करते हुए पढ़ते हैं, पर परीक्षा की तैयारी के लिए केवल इतना ही काफ़ी नहीं है। आपको लिखने की आदत भी होनी चाहिए और साथ ही आपकी लिखने की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार बच्चे यह कहते हुए पाए जाते हैं कि उन्हें सब आता था लेकिन लिखने का समय नहीं मिला। यह दिक्कत आपके साथ ना हो इसलिए लिखने की आदत डालें। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपकी लिखने की स्पीड तो अच्छी होगी साथ ही आपकी लिखावट में भी सुधार आएगा। नंबर 8, गैजेट से दूर रहें। आजकल हर घर में मोबाइल और कंप्यूटर तो होते ही हैं, कुछ दिनों के लिए इन चीज़ों को अपने से दूर कर दें। यदि आप मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते भी हैं तो वो एक निश्चित समय के लिए ही इस्तेमाल करें और सिर्फ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ही आप यूज करें। नंबर 9, जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठना हर किसी के लिए अच्छा होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। परीक्षा के कुछ महीने पहले से ही सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। नंबर 10, जंप ना करें। मतलब कि कई बार छात्र ऐसा करते हैं कि जो उन्हें आसान लगता है
उसे पहले खत्म करने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें कठिन लगता है उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करते हुए परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है और उस कठिन अध्याय के लिए समय कम मिलता है जिसकी तैयारी वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए परीक्षा के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि कठिन चीजों को तैयारी पहले कर लें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब